दीनन की प्रतपाल करै नित संत उबार गनीमन गारे पछ पशु नग नाग नरादप सर्ब समय सर्ब को प्रतपारे। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे। दीन दयाल दया निद दोखन देखत है पर देत ना हारे। वाहिगुरु परमेश्वर दा निराला गुण सब कुछ जानदया होया भी साडे अवगणा नू वेख के अणडिठ करन वाला मेरा प्रतख परमात्मा जो आप कुदरत दा पसारा पसारन वाला करता जो होया सो उस करते दियां वड़ियां वड़ियाईयां नू आरंभ करन तो पहला आओ सतगुरां दी बख्शिश कीती होई फतेह दा आवाज़ा बुलंद करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारे सतसंगी जनो मेरे सत्कार योग वीरो ते भैनों बुजुर्गो नौजवान बच्चे बचियो यतन करिए अपने जिंदगी दा एक एक कदम गुरु पूरे दी पै भावनी विच पुटना करिए। बड़ी प्यारी अवस्था है, इहनू प्रेम दा मार्ग भी किया जा सकता है। प्रेम तो बिना धर्म दी खेड संपूर्ण नहीं हो सकती। जां इहों आखदे आं धर्म दी पहली पौड़ी है प्रेम। जे प्रेम नहीं धर्मी होण दा दावा नहीं कीता जा सकता। जे असी अपने परिवारक मैंबरां नाल अपने आले दुआले नाल समाज दे नाल हिरदे दियां गहराइयां चों प्रेम नहीं ना कीता ते रब नाल भी प्रेम नहीं कर सकांगे, क्योंकि रब ते इन्हां विच पिया वसदा। बेनती करां प्रेम ते ममता ये दोवें वक्ख वक्ख अवस्थावां ने। ममता दे नाल कदे प्रेम नूं कंपेयर नहीं कीता जा सकता। ममता ते माया दा एक रूप है। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया इन्हां तो बचिया कौन है? जिहड़े गुरमुख प्यारे ने। बाबा जी फरमाउंदे ने मनमुख खादे गुरमुख उभरे। ते गुरमुख दी परिभाषा की है? जिनी सच नाम चित लाया। जो परमेश्वर दे नाम दे रंगण विच रंगे गए। अपनी भी अरदास करना, मेरी गरीब दी भी अरदास करना, उस सोहणे रब दे प्रेम विच नाम दे रंग विच रंगण हो जावे। गुरु तरस करे, क्योंकि गुरु तरस दा खजाना है। उस दे तरस तो बिना परमात्मा नहीं जे मिलना। तरस पया महरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवां तन मन थीवै हरिया। ऐसी अवस्था दे विच ऐसी प्रेम दी मंग मंगदिआं आओ सतगुरां दे पावन इतिहास दी सांझ पाउण दा यतन करिए। मेरे गुरदेव पातशाह ने तरस कीता जो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी दे समय तो लैके छेवें पातशाह तक दे जीवन दी साखियां दे रूप विच
इतिहासक सच्चाइयां दे रूप दे विच गुरबाणी दे आशे अनुसार विचार दी सेवा लई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ये रसना भला गुण गोविंद किवें गा सकती, ओ परमेश्वर सतगुर स्वरूप अनंत गुणा का मालक है, बेअंत गुणा का खजाना है। सिख ने तो केवल यत्न मात्र करना है, केवल अपनी हाजरी लवाउण दा यतन करना है, उस दे गुण गायन करने असंभव ने। केवल एक छोटा जिहा उपराला कि सिख इतिहास घर घर तक पहुंचे, तां जे असी इतिहास दे जाणू हुंदिआं अपने बच्चिआं नूं अपनी नैक्सट जनरेशन नूं अपने वड्डे वडेरियां दा इतिहास दस सकीए। ओ सुनहरी इतिहास दे पन्ने जिन्हां दी विचार आप जी सरवण कर रहे हो, विचार चल रही सी छेवें पातशाह दे जीवन दी। सतगुरां ने छोटी जी उम्र दे विच केवल 11 वरे की उम्र जदों पिता गुरदेव की शहीदी हुई, गुरता गद्दी ते विराजमान होए, इसनू सिख इतिहास का एक बहुत वड्डा इतिहासिक मोड़ टर्निंग पॉइंट भी किया जा सकता है। शांति दे पुंज तन पंचम पातशाह दी पावन शहीदी विचों जो क्रांति प्रगट हुई, इतिहास दे विच एक बा मिसाल जिक्र है जो छेवें पातशाह ने पंथ दे विच एक वीर रस प्रगट कीता कि हुण संत दे नाल सिपाही भी होना पएगा। ये विचारा आप जी पिछले समयां विच सरवण कर चुके हो। सतगुरां ने कदे किसे ते हमलावर होके चढ़ाई नहीं कीती, सगों स्वै रख्या अते स्वै माण दी खातर जालम दे नाल टाकरा कीता। इस दे नाल नाल सतगुरां ने सिखां दे अंदर एक ऐसा जज्बा भरिया कि सिख हुण जालम दी अख नाल अख मिला के गल करदा सी। सतगुरु गरीब निवास ने आप प्रचार फेरियां भी कीतियां ते इस दे नाल सरबत दा भला मंगण दी जाच जो धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अपने सिख नूं सिखला गए सन, ये सारे भले दे कारज सतगुरु आप निभाउंदे रहे। अपने प्यारे सिख सत्कारयोग भाई बिधी चंद जी नूं सतगुरां ने बंगाल विच प्रचार करन लई भेजिया ते महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी ने काबल दे इलाके नूं केंद्र बनाया। इस प्रचार दे सदके सिख लहर विरोधी हल्लियां दे टाकरे ते मजबूत रही। सिखां दे गिनती विच वाधा होया, सिख परिवार प्रफुल्लत होए ते दूर दुराडे बैठे सिखां नूं
गुरु दे बचना राई ए महापुरश विद्वान समय समय सिर जीवन जाच दर्शाउंदे रहे। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप भी प्रचार दे दौरे जारी रखे। प्रचार दौरियां दे दौरान ही छेवें पातशाह जी नू समर्थ रामदास जो उत्तरी हिंदुस्तान दे श्रीनगर स्थान ते मिलिया। रामदास उन्हां दिनां विच धर्म दा राह लब्भण लई धर्म अस्थाना दे दर्शन कर रहा सी। सतगुरु जी शिकार खेड के मुड़े सन ते फौजी पहरावे विच सन। सतगुरां नूं वर्दी विच वेख के रामदास ने शंका प्रगट कीती, मैं सुनिया है तुसी तां गुरु नानक देव जी दी गद्दी उत्ते विराजमान हो। गुरु नानक एक त्यागी साधु सन ते तुसी हथियार बंद फौजां ते घोड़े रखे हुए हन, सच्चे पातशाह खवाउंदे हो, भला तुसी क्यों जे साधु हो। सतगुरां ने इस सवाल का जवाब बाकमाल ढंग दे नाल बचन कीता, बातन फकीरी जाहिर अमीरी, शस्त्र गरीब दी रखिया, जरमाने की पख्या। बाबा नानक ने संसार नहीं सी त्यागया, माया त्यागी सी। ते रामदास सहज सुभाए बोल पिया, यह हमारे मन भावती है पाओ। सतगुरां ने जदों सिखी दे असूल नू दृढ़ कराया ते समर्थ रामदास प्रसन्न होया, उहदे अंदर दा भुलेखा मिट गया। उस महाराष्ट्र दे संत रामदास ने शिवा जी नू सिख्या दित्ती ते गुलाम महाराष्ट्र नू मुगलां दी गुलामी तो निजात दिवाउण लई प्रेरिया। शस्त्र चुकना धर्म दस्या। गुरु नानक जी दे पाए हुए पूरनिया उत्ते चलदिया छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरता गद्दी दी जिम्मेवारी देण लई कीरतपुर विखे ही योग जान शीन दी भाल आरंभ कर दित्ती। बाबा गुरदित्ता जी दी सौंपणी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप ही बाबा श्री चंद जी नूं कर दित्ती सी। ते ओ 1638 विच चढ़ाई कर गए सन। उन्हां दे सपुत्तर हर राय जिन्हां विच ये गुण देख के छेवें पातशाह ने गुरु की जिम्मेवारी लई तैयार किया, ते उन्हां नूं हर पासिओं योग जान के सन 1644 एक गुरता गद्दी बख्शिश कीती। ते इसे वरे मार्च दी 3 तरीक तन छेवें पातशाह गुरता गद्दी योग हत्थां विच बख्श के कीरतपुर साहब दी धरती ते ज्योति जोत समा गए। इसे अस्थान ते आप जी का अंतम संस्कार किया गया। इतिहासकारा ने एक गल दर्ज कीती है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चलाने नू वड्डा कौमी कहर मनिया गया। संगतां दा गुरु नाल अथाह प्यार इसे गल तो देखिया जा सकता है कि जदों आप जी दे शरीर नू अगन भेट किया गया ते चिता विच एक राजपूत ते एक जट छाल मार के अपना शरीर त्याग गए। जे
धन श्री गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह ना रोकते तो शायद कितने ही सतगुरां दे वैराग विच सड़ मरदे। छेवें पातशाह दे ज्योति जोत समाउण ते लिखारियां ने उस समय नूं कलमबद्ध कीता जो ये गल प्रगट करती है कि गुरु हरगोबिंद साहब सब जीआं दे प्यारे सन ते लोकी उन्हां तों जान वार के आनंद माणदे सन। मुर्शिद दे सो सुख ना विच्चों इको मैनू याद रहा, जग वीरान ना होवे जेकर मैं खाना आबाद रहा, जेकर जिंद दे सके कोई दिल कोई लै सकण नू, जिंद देना ते दिल लै लेना दोवें रब दी दात रहा। ये रुबाइयां गुरु दे प्रेम दे विच उचारण होईयां। लगभग 38 वरिया तक सतगुरु छेवें पातशाह ने गुरता गद्दी की जिम्मेवारी संभाली। जे सतगुरां दे पावन जीवन ते एक झात मारीए, क्योंकि इतिहासक सच्चाइया ने ते हर एक सिख दे लई इन्हां दा जाणू होना लाजमी है। भाई साहब भाई गुरदास जी छेवें पातशाह की शख्सियत के संबंध में बचन फरमाते हैं, बिरखों फल फल ते बिरख आचरजहों आचरज सुहाया। बचन करते हैं, संसार उत्ते जोधे तो बेअंत होए हैं पर परोपकारी कोई नहीं होया। इस संबंध में छेवें पातशाह विच दोवें गुण परोपकारी ते जोधा वाले देखे जा सकते हैं। जिवें बचन है भाई गुरदास जी का, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। ब्रिछ तो फल फल तो फेर ब्रिछ, ये अचरज सोभनीक रूप गुरु साहब के जीवन विचों प्रगट होया। सतगुरु सच्चे पातशाह दे जीवन नूं आरंभ काल दे विच जदों सतगुरां ने शस्त्रधारी होण दा कौम नूं हुक्म कीता, घुड़सवारी नेजेबाजी तलवारबाजी तीरअंदाजी आदक हर एक सिख दे लई जरूरी कर दिता, गतके दे हुनर आजमाए, ते आपणे ही सिखां ने किन्ना चिर तक गुरु की इस खेड नूं समझिया नहीं। पर ओह सिख समा पा के गुरु साहब दे इस कोतक ते कुर्बान जांदे ने। भाई साहब वर्गे विद्वान ने इस गल की पूरी सच्चाई का जिक्र किया कि गुरु हरगोबिंद साहब जी दे नाल इंसाफ नहीं किया गया। सिख इतिहास विच भी गुरु हरगोबिंद साहब जी की शख्सियत नू गलत फहमी ते स्वै विरोधी समझिया गया। इस दा बहुता कारण वह इतिहासकार हैं जिन्हां समकाली लिखतां दे गलत तर्जमे करके गलत नतीजे कढ़े। मैकालफ ने भी इस गल का जिक्र किया, गुरु हरगोबिंद साहब जी वर्गी महान शख्सियत नाल यह सख्त बेइंसाफी है कि उलथाकार उन्हां दी शख्सियत नूं वड्या नहीं सके। भावें कई बार यह कहा जाता सी कि गुरु हरगोबिंद साहब जी रूहानी तौर ते पहले गुरुआं नालों घट सन, भला वह की जानन। सतगुरां ने इस मौके जदों पंचम पातशाह की शहीदी समय कौम नमोशी विच चली गई सी, उस समय कौम नूं संभालना शस्त्रधारी होण दी आग्या बख्शनी, ये उन्हां सिखां दे लई
एक नवी गल सी जिन्हां ने गुरु नानक साहब तो पंचम पातशाह तक केवल दया की खेड वेखी सी। गुरु हरगोबिंद साहब भी दयालता के सागर ने, पर सतगुरां ने इस शस्त्र नूं दया लई वरतण दा हुक्म कीता, किसे ते जुलम करन लई नहीं। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाणी दी एक पंक्ति भी नहीं उचारी, अते गुरु ग्रंथ साहब एक सदीवी यादगार जो पहले पांच गुरु साहब दे कारनामिया अते सफलतावां दी मूह बोल दी तस्वीर है। गुरु हरगोबिंद साहब जी बाकी गुरु साहबां दे बराबर एक तुल उन्ने ही समर्थ हन जिन्हें आदि गुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह। गुरु साहबां दे विच ये भेदभाव उन्हां लिखारियां ने करन दा यतन कीता जिन्हां नूं सिक्खी दा मुढ़ भी नहीं सी पता। साडी बदकिस्मती, साडा इतिहास दूजियां कौमां ने लिखिया। जिन्ना को इतिहास सिखां ने लिखना कीता वह बा कमाल है। भाई साहब भाई गुरदास जी वर्गे विद्वान जिन्हां ने सिख इतिहास नूं वारां दे राहीं लिखतां दे राहीं विस्थार दिता, मुड़ मुड़ के ये गल आखदे हन कि छेआं गुरु साहिबान विच रत्ता भर भी फर्क नहीं। ये छेवां गुरु हरगोबिंद भी उसे माला का एक मणका है। पंज पीर गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन ने पंजा प्यालिया विचों सत संतोख दया धर्म पी के अभ्यास किया, ते हुण छेवां पीर गुरु हरगोबिंद वड्डा गुरु हो के गद्दी ते बैठा। छठम पीर बैठा गुर भारी, ये गुरु अर्जन देव जी का ही स्वरूप हन। अते गुरु अर्जन देव जी ने अपनी काया पलट के हर गोबिंद की मूरत बनाई है। गुरु अर्जन देव जी नूं गुरु हरगोबिंद साहब पाउंदे ने तां ही गुरता गद्दी बख्शिश कीती है। इसे गल नूं लोकां तक दृढ़ कराउण लई भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब तो छेवें पातशाह तक लिखिया ते दस्या कि रत्ती भर भी फर्क नहीं। गुरु नानक देव निरंकार हन, निरंकार ने अपना आकार बनाया है। गुरु अंगद गुरु नानक दे अंग तो गंगा दे तरंग वांग उठाया। गुरु अंगद तो गुरु अमरदास जोत सरूपी कौतक वरताया। गुरु अमरदास जी तो गुरु रामदास होए, मानो अनहद नाद तो शब्द सुनाया। रामदास जी तो गुरु अर्जन जी होए, जिस तरह शीशे विच प्रतिबिंब दिसदा है। ते अर्जन गुरु तो हरगोबिंद होए, जिन्हां ने गुरु हरगोबिंद नाम सदवाया। गुरु की मूर्ति गुरु का शब्द है जो साध संगत विच सदा प्रगट रहिंदी है। सिख धर्म विच मुड़ तो ही जोर गुर शब्द उत्ते है, शरीर उत्ते नहीं। जोत की पूजा है, जुगत अगे सिर नवाउणा है। काया वल सिख नहीं वेखदे, जोत ओहा जुगत साए सै काया फेर पलटी। इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह दे संबंध च भाई गुरदास जी दे बचन, पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। सो सतगुर दीन दयाल दी बख्शिश ते रहमत सदा सिखां ते वरतदी रहे। सरबत दे भले दी जाचना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।